हेलो, वेलकम टू टेस्ट टेम्पटेशन एंड ट्रैवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मॉर्निंग हो चुका है, आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 9:30 हो गया है, और स्कूल ड्रॉप कर दिया है मेरे बेटे को। तो आते हुए मैं यही यहाँ से कर्ड वड़ा ले रही हूँ। साउथ इंडियन कर्ड वड़ा है, काफ़ी अच्छा है, साइज़ भी अच्छा रहता है, तो एक से पेट भर जाता है। और यहाँ पर पेट्रोल वगैरह फिल करके अब चले गए घर पे, और दोपहर हो गया। मैंने बीच में कुछ शूट नहीं किया क्योंकि अपना दूसरे काम में बिजी हो गई थी। और यहाँ पर ये स्कूल से आ चुका है, ये अपने खेल में लग गया है, और उधर मैं अपना काम कर रही हूँ। सो यू कैन सी मेरा बेड शीट भी लग चुका है और बेड पूरा सेट हो गया है। फिर चलते किचन की तरफ। अब यहाँ पर मैंने पोटैटो सुबह ही बॉइल्ड करके रख दिए थे। अभी मैं ये राइस बना रही हूँ, और मैंने ये राइस डाल दिया है कुकर में। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू को अचार। ये जो आलू को अचार है, ये नेपाली डिश है। ये इंस्टेंट बनने वाला चटपटा आलू का एक डिश है। इसको आप अचार भी कह सकते हो, और एक तरीके की मतलब आपका सैलड टाइप सैलड भी है आलू का, जिसमें हम तिल वगैरह डाल के बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने अच्छी तरह दिखाया है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और ये नेपाली रेसिपी है, बहुत टेस्टी आलू की एक डिश बन के तैयार होके आपके पास आएगा। ये देखिए, आलू को बॉइल कर लिया है। उसके बाद मैंने ये थोड़ा ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च और मिर्ची, वो आपको अपने तीखा जितना लेना उसके हिसाब से आप लो। यहाँ पर तिल को मैं रोस्ट कर रही हूँ। अच्छा रहेगा अगर तिल आपने सफ़ेद तिल, काला तिल कोई भी ले लीजिए, काले तिल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है वैसे। पहले ही धो के धूप में सुखा के अगर आप रखते हैं तो टाइम कम लेता है रोस्ट होने में। मेरे पास मैंने पहले ही इसको क्लीन करके नहीं रखा था, इसलिए इंस्टेंट धो के साथ ही मैंने रोस्ट कर दिया, जब तक कि इसकी चटकने की आवाज़ ना आए। यहाँ पर मैंने कुकुम्बर को पहले ही छोटे छोटे चॉप्ड करके रख लिया था, और इसमें आप मूली, मटर, ग्रीन फ्रेश मटर है तो वो भी डाल दीजिए, या बॉईल करके आप डालना चाहते हैं वैसे ही डाल दीजिए, या जो हमें ड्राई मटर जो आते हैं पीस, उनको भी आप या तो रात भर सोक कर दीजिए, सोक करके डाल दीजिए, या तो फिर थोड़ा सा बॉयल करके भी आप डाल सकते हो। और यहाँ पर मैं रोस्टेड तिल, मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च को पीस रही हूँ, और यह मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है तो ये पाउडर बन गया है ऐसा। अब मैं इसको मिक्स करूँगी पोटैटो में। तो इस पोटैटो में जैसे कि मैंने तो अब इससे कुकुम्बर और आलू मिक्स किया है, इसमें हम ऐसे छोटे छोटे पीस करके फाइनली चॉप कर लीजिए, या ज़्यादा फाइन करने के भी नहीं है, छोटे से जैसे आपको अच्छा लगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो उसको जैसे आपने कुकुम्बर, मूली और जैसे मैंने कहा मटर वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें नहीं, वो जो तिल का पाउडर है वो डाल दिया है, इसमें इमली डाल दिया है मैंने, इमली का सॉस बना के, खट्टी मीठी वाली नहीं, नॉर्मल खट्टी वाली। और मेरे पास नींबू ख़त्म हो गया था, आप नींबू भी डाल सकते हो, और इसमें आप नींबू डाल दो। उसके बाद देखिए मैंने एक ये तड़का पैन ले लिया है, तड़का पैन लेके उसमें मुझे मेथी के दाने डालना है। मैं थोड़ा कम डालती हूँ, जिसको जितना पसंद है उसके साथ डालती हूँ। उसको थोड़ा काला होने तक तड़का लगाना है। और यहाँ पर मैंने चाट मसाला और आमचूर पाउडर भी ऐड किया है,
और इस तड़के को ऊपर से आप डाल दीजिए। मैंने एक ग्रीन चिली ऊपर से भी एक और डाल दिया है चॉप करके। सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। थोड़ा सा नींबू भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं अगर खट्टापन कम हो रहा है तो। तो बस इस तरीके से मेरा ये अचार, ये सैलड बन चुका है। नेपाली डिश है, ये नेपाली तरीके से बनाया हुआ और काफ़ी टेस्टी बनता है। जब मैं नेपाल गई थी काठमांडू में और बहुत टेस्टी खाने को मिला था ये। यहाँ पर मैं अपना लंच इंजॉय कर रही हूँ, मुझे अकेले खाना पड़ता है दिन को। यहाँ पर जो मेरा पाउडर बच गया था, मैं जो सारे तिल मैंने उसको रोस्ट करके पाउडर बना लिया है, तो इसमें मैंने ग्रीन चिली वगैरह नहीं डाला है। ग्रीन चिली और रेड चिली सिर्फ मैंने उसी टाइम सैलड में डालने के लिए डाला था। जो बच गया है उसको मैं रख रही हूँ, तभी भी मुझे कुछ भी तिल डाल के बनाना है तो मैं ऐड कर उसको यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर अब मैं यहाँ कपड़े वगैरह थोड़ा सा सब इधर उधर बिखरे हुए हैं, इसको साफ़ कर रही हूँ एंड थोड़ा क्लीनिंग भी चल रही है और कपड़े को तह लगा रही हूँ। सो हैवी गो नाउ ही वॉन्ट्स हिज पर्सनल हाउस। ऐसे उसने मुझे बोला कि मामा आई वॉन्ट माई हाउस। सो बस अब इसका ये मैट्रेस है मेरे पास, इससे इसका घर बनाना है तो बस मैं वही बना रही हूँ इसके लिए, इसका पर्सनल घर। और अब ये इसके अंदर अपने सारे स्टफ वगैरह सब कुछ रखेगा। तो अब मुझे कह रहा है माई हाउस इज़ एम्प्टी। तो अब मैंने कहा रखो अपने स्टफ़, तो आप ये सारे अपने टॉयस वगैरह उसके अंदर भरेगा और ख़ुद घर के बाहर रहेगा। तो वही सब है बच्चों का खेल, उस तो वो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। बस यही सब लाइफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।